फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मलेशिया जाने के लिए फ्लाइट कैसे बुक करते हैं मलेशिया जाने के लिए सस्ते में। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया से मलेशिया जाने के लिए कौन सी वेबसाइट से फ्लाइट बुक करनी चाहिए ताकि आपके कम से कम खर्च में आप फ्लाइट बुकिंग कर सको। ये जो फ्लाइट बुकिंग का प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस होटल बुकिंग का था, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डाल रखा है, और इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलो अब हम देर ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस वेबसाइट से फ्लाइट बुक करते हैं इंडिया से मलेशिया के लिए। लेट्स चेक। तो हमने हेयर एक वेबसाइट खोला है, इस वेबसाइट का नाम है स्काई स्कैनर। इस वेबसाइट का ये खासियत है कि आपको किसी भी एयरपोर्ट का नाम डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सस्ते में फ्लाइट लेना चाहते हो तो आपको एयरपोर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। हमने ये डाला स्काई स्कैनर, आप भी डाल सकते हो SKYSCANER स्काई स्कैनर। और जो अमाउंट है आपका इंडियन रुपीज़ में ही दिखेगा, यहाँ पे भी आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन इस वेबसाइट को जो मैं यूज किया हूँ, इसमें मैं सिर्फ सर्च करने के लिए यूज किया हूँ, मैं अपना टिकट इस वेबसाइट से बुक नहीं किया हूँ। आप कर सकते हो, थोड़ा सा अंतर आता है 200-300 रुपए का। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ कंट्री नाम डाला INDIA इंडिया, और आप देख सकते हो यहाँ कंट्री नेम आता है। और आपको जहाँ जाना है, जिस जगह पे जाना है, आप उस जगह के डाल सकते हो इंडिया से बाहर। तो हमने यहाँ डाला कुआलालंपुर, ये जो है मलेशिया में है। हमने डाला डेट 1/11/2018, मतलब 1 नवंबर में। और रिटर्न डेट हम डाल देते हैं यहाँ पे नवंबर ही रखते हैं, मान के चलिए 6 डाल दिया। और अब हम सर्च करते हैं, ये हमें ये बताता है कि हम इंडिया का किस एयरपोर्ट से चीप फ्लाइट ले सकते हैं। ये स्काई स्कैनर बहुत ही अच्छा है, ये अमेरिका का है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आ गया एयरपोर्ट का नाम। अब आप देखोगे हमने डाला था इंडिया, एनी कहीं का भी, इंडिया का किसी भी कोना से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। अपन को जितना सस्ता जहाँ से मिले वहाँ से पकड़ना है, ये कॉन्सेप्ट इंडियन का होता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स आवर जीन। तो अब हम पकड़ते हैं विशाखापट्टनम। यहाँ पे आप देख रहे हो 8,878 रुपीज में ये राउंड ट्रिप है वंदे भाई, ये राउंड ट्रिप है। आप इधर से जा भी सकते हो और वापस आ भी सकते हो। दूसरी बात है, आप देख सकते हो फिर कोच्चि भी है, चेन्नई भी है। तो आपके हिसाब से आपको ये नहीं देखना है कि आप बस देख रहे हो कि ये सबसे सस्ता है यहाँ से बुक करें, नहीं। आपकी डिस्टेंस के हिसाब से, आप किस रीजन में रहते हो, वहाँ से कौन से डिस्टेंस नियर बाई है, उस हिसाब से आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ से भी बुक कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। जैसे कि अभी मैं साउथ में हूँ तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ। आपने देखा, अब मैं यहाँ से ये देखना चाह रहा था कि कौन से फ्लाइट में क्या अमाउंट है। अब आप देख सकते हो एयर एशिया का दोनों फ्लाइट है, यहाँ से 9:55 में है और वहाँ को 4:25 में है, और उधर से 20। तो इसका अभी अमाउंट आ रहा है 9,100 रुपीज। अब आप चाहते हो तो यहाँ से आप बुक कर सकते हो। एयर एशिया का था, यहाँ से था सेलेक्ट करने के लिए। अब हम क्या किए हैं यहाँ पे, हम यहाँ से बुक नहीं किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो GoIBIBO पर ये हमें ले जा रहा है। GoIBIBO वो एक साइट है, फ्लाइट बुकिंग का साइट है, वहाँ पे ये हमें ले जाएगा, वहाँ से हमें बुक करने के लिए ये बोल रहा है। लेकिन मैं क्या किया, मैं एक अलग साइट से बुक किया हूँ अपना टिकट, जो कि हमें इससे भी लेस पड़ा। अब आप देख सकते हो 8,593 रुपीज़ है, जब इसे आप आगे की ओर लगाओगे तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। तो आप ये चीज़ छोड़ो, मैं आपको एक नया चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ से फ्लाइट सर्च करना, अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप बुक भी करना, इट्स नॉट अ इशू। पर मैं जो बुक किया हूँ, मैं यहाँ से बुक किया हूँ, आप देख सकते हो ये है trip.com, सेम चीज़ आप देख रहे हो trip.com, 1 नवंबर 2 तारीख। अब आप यहाँ पे अमाउंट इंडियन करेंसी कर सकते हो।
सेम फ्लाइट है 4477 में, सो इसे चेक करते हैं, बुक करने का कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो 4046 रुपीज है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज अब आपको प्रोसेसिंग फी ये सब कुछ भी आपको नहीं लगेगा, जो है सो इतना ही लगेगा। तो अगर आप इसे टू टाइम्स में करते हो तो आपको 8100 समथिंग रुपीज आएगा, और अगर आप यहाँ पे देखते हो स्काई स्कैनर में तो 8878 रुपीज प्लस 245 रुपीज सर्विस टैक्स, उसका जो सर्फ चार्ज है वो लगता है। तो आप यहाँ पे 250 रुपये बचा सकते हो इस वेबसाइट से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट स्काई स्कैनर वेबसाइट खोलना है, वहाँ पे आपको अपना कंट्री का नाम डालना है, कंट्री के नाम डालने के बाद आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ का नाम डालना है, और अगर आप कंट्री का कोई सिटी जाना चाहते हो, पार्टिकुलर सिटी में जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ का नाम डालना है। जैसे कि मुझे तो पता था कहाँ जाना है, तो मैंने कुआलालंपुर डाला, और आपको अगर पता नहीं है तो आप उस कंट्री का नाम डालो, वहाँ का सिटी चूज करो, और उससे आपको एक रेट आ जाएगा, कंट्री लिस्ट बाय रेट आ जाएगा, उस कंट्री पे कौन कौन सा एयरपोर्ट है, कहाँ से है, क्या है, अपने डिस्टेंस के हिसाब से आप उसे बुक इस स्काई स्कैनर के जरिए भी कर सकते हो। ये स्काई स्कैनर आपको विभिन्न विभिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, जैसे गो आई बी बो हो गया, फिर से मेक माई ट्रिप हो गया, yatra.com हो गया, इसका काम है आपको उस जगह पे उसके लिंक में ले जाने का। तो और अगर आप यहाँ से रेट देखने के बाद आप इस वेबसाइट पे आते हो तो आप सर्विस टैक्स बचा सकते हो, और समटाइम आपको अमाउंट भी कम मिलेगा, जैसे कि मेरे केस में मुझे अमाउंट कम मिला, पर अभी ये अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है। तो आप वहाँ से सर्च कर लो अपना फ्लाइट, और उसके बाद आप आ जाओ trip.com, ये भी अमेरिकन वेबसाइट है, और यहाँ से आप वही सेम चीज़ उसी फ्लाइट वही नंबर वही एयरपोर्ट कहाँ से कहाँ अराइव डेस्टिनेशन आप वो तय कर लो, और वहाँ पे वन बाय वन करके आप यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप राउंड ट्रिप ये trip.com पे आप चेक नहीं करोगे, आप वन बाय वन करोगे, वहाँ पे राउंड ट्रिप चेक करोगे, बट यहाँ पे आप वन बाय वन करोगे और वन बाय वन करके टिकट बुक करोगे, तब आपको फ़ायदा होगा। तो ये मुझे बताना था, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पहले होटल बुक करते हैं फिर फ्लाइट बुक करते हैं, और जो मैं थर्ड वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा वीज़ा कौन सा अप्लाई करना चाहिए अगर आप अकेले घूमने जा रहे हो तो, ताकि आप सस्ते में वहाँ से घूम। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, तो ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।